आज हम लोग जिस प्लान के रिगार्डिंग बात करेंगे उसका साइज है 19 feet × 34 feet, ये 71 गज में बना हुआ है। इसका स्क्वायर फीट है 646 स्क्वायर फीट। इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 6.5 लाख पर यूनिट। ये फ्रंट साइड में रोड है, फ्रंट का डायमेंशन है 19 feet, इस साइड का डायमेंशन है 34 feet, बैक का डायमेंशन है 19 feet और इस साइड का डायमेंशन 34 feet। इस प्लान में सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक का बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान के डायमेंशन से। ये फ्रंट साइड में मेन रोड है, फ्रंट का डायमेंशन 19 feet। इस साइड से एंट्रेंस है, यहाँ से इन करने के लिए स्टेयर होकर के अपर फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों के लिए ये स्टेयर एरिया है। इसका डायमेंशन है 10 feet × 10 feet, इस साइड का डायमेंशन 10 feet और इस साइड का डायमेंशन 10 feet। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 4 feet का। इस स्टेयर में एक रोशनी के लिए यहाँ पे विंडो दिया गया है, ये डोर है अंदर जाने के लिए। और स्टेयर यहाँ से स्टार्ट होता है अप होना, फर्स्ट लैंडिंग है। इसके बाद और अप होंगे तो सेकेंड लैंडिंग आ जाएगा, उसके बाद और अप होंगे तो फिर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएंगे हम लोग। ग्राउंड फ्लोर पे अंदर जाने के लिए एक यहाँ से मेन गेट दिया गया है जो यहाँ पे गेस्ट रूम में आ जाएगा, जिसका डायमेंशन है 13 feet 5 inch × 7 feet 9 inch। इस साइड का डायमेंशन 13 feet 5 inch और इस साइड का डायमेंशन 7 feet 9 inch। इस गेस्ट रूम में यहाँ एक विंडो दिया गया है, एक विंडो इस साइड में दिया गया है, ये डोर है अंदर जाने के लिए। हम लोग अंदर चलते हैं। इस स्टेयर एरिया साइड से यहाँ से इन करेंगे या फिर गेस्ट रूम साइड से यहाँ से इन करेंगे तो ये डाइनिंग स्पेस आ जाएगा और एक ओपन किचन यहाँ पे दिया हुआ है। इस डाइनिंग स्पेस का डायमेंशन है 12 feet 9 inch इस साइड का और इस साइड का डायमेंशन एक दिया गया है यहाँ पे 6 feet 11 inch का। इस किचन का डायमेंशन है 5 feet 7 inch और इस साइड का डायमेंशन है 10 feet 4 inch। एक विंडो दिया गया है यहाँ पे किचन में। हम लोग बाथरूम की बात करते हैं। इस तरफ डाइनिंग स्पेस है, इस साइड से जब यहाँ से इस डोर से इन करेंगे तो ये कॉमन बाथरूम आ जाएगा, जिसका डायमेंशन है 6 feet 11 inch × 5 feet। इस साइड का डायमेंशन 6 feet 11 inch और इस साइड का डायमेंशन 5 feet। यहाँ पे टॉयलेट सीट दिया हुआ है, यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है और यहाँ पे शावर पैनल दिया हुआ है। एक वेंटिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है और ये डोर है इस बाथरूम का। हम लोग बेडरूम की बात करते हैं। इस डाइनिंग स्पेस से इस डोर से जब अंदर आएंगे तो यहाँ एक बेडरूम आ जाएगा, जिसका डायमेंशन है 12 feet × 8 feet 9 inch। इस साइड का डायमेंशन 12 feet और इस साइड का डायमेंशन 8 feet 9 inch। एक विंडो इस साइड में दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है, ये डोर है इस बेडरूम का। हम लोग एक और बेडरूम जो है उसकी बात करते हैं। इस डाइनिंग स्पेस से यहाँ से इन करेंगे इस डोर से तो यहाँ पे बेडरूम आ जाएगा एक और दूसरा जो है। इसका डायमेंशन है 12 feet × 9 feet, इस साइड का डायमेंशन 12 feet और इस साइड का डायमेंशन 9 feet। एक विंडो यहाँ पे दिया गया है, एक विंडो इस साइड में दिया गया है, ये डोर है इस बेडरूम का। ये था ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन। फर्स्ट फ्लोर का डायमेंशन भी सेम रहेगा, फर्स्ट से टॉप फ्लोर का डायमेंशन सेम जाएगा, फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक ये स्टेयर का डायमेंशन यही रहेगा। यहाँ गेस्ट रूम का डायमेंशन भी सेम रहेगा और ये किचन का डायमेंशन भी सेम रहेगा। यहाँ पे डाइनिंग स्पेस है, इसका भी सेम रहेगा। ये बाथरूम, कॉमन बाथरूम जो दिया गया है, इसका भी डायमेंशन सेम रहेगा। एक बेडरूम यहाँ पे दिया गया है, एक और बेडरूम जो दिया गया है, इस सब का डायमेंशन सेम रहेगा ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक। इस प्लान में सभी वॉल 5 inch के दिए गए हैं। ये था दोस्तों हमारा 19 feet × 34 feet का हाउस प्लान। उम्मीद है आपको ये प्लान भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।